दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपने फोटो में आप मनपसंद गाना कैसे लगा सकते हो। आप अपने फोटो में मनपसंद गाना लगाकर आप सोशल मीडिया में जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं भी आप पोस्ट कर सकते हो। काफी लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि अपने फोटो में गाना कैसे लगाया जाता है। कहीं भी आपको डायरेक्टली ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि फोटो में गाना आप लगा सकते हो। इसके लिए आपको एक वीडियो एडिटर या फिर फोटो एडिटर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको एक एप्लीकेशन की मदद से बताऊंगा कैसे आप अपने फोटो में गाना लगा सकते हो। काफी सिंपल तरीका है, वीडियो को आपको पूरे लास्ट तक देखना है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली आपको अपने फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और ये एप्लीकेशन का नाम क्या है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इस एप्लीकेशन के मदद से आप इजीली अपने फोटो में कोई भी गाना लगा सकते हो और काफी सिंपल तरीका है। सिंपली आपको यहाँ पे अपने फोटो में गाना लगाने के लिए आपको वीडियो वाले ऑप्शन में आ जाना है और उसके बाद आपके फोन में जितना भी फोटोज होगा यहाँ पे आपको वो सारा फोटोज दिख जाएगा। आपको यहाँ से वो फोटो चूज करना है जिस फोटो में आप गाना लगाना चाहते हो। आप यहाँ पे एक से ज्यादा फोटो भी चूज कर सकते हो। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं कोई एक फोटो को चूज कर लेता हूँ। इस तरीके से अगर आपको एक से ज्यादा फोटो में गाना लगाना है तो सिंपली यहाँ से आपको वन बाय वन करके सारे फोटो को चूज कर सकते हो। उसके बाद बॉटम में आपको यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे टैप करना है तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो वो सारा फोटोज आपको यहाँ पे दिख जाएगा जितने भी फोटोज में आपको गाना लगाना होगा। और फोटो का अगर आपको टाइम लेंथ एडजस्ट करना है मतलब वीडियो में वो फोटो गाने के साथ कितनी देर अपीयर होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे वो फोटो पे टैप करना है और यहाँ से आप लॉन्ग प्रेस करके स्वाइप कर सकते हो इस तरीके से फोटो का लेंथ। तो आप यहाँ पे ऐड किए गए फोटोज का लेंथ एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर जैसे कि आप कोई स्टिकर ऐड करना चाहते हो फोटो में तो यहाँ पे आपको स्टिकर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। काफी सारा आपको यहाँ पे स्टिकर मिल जाएगा तो यहाँ से आप फोटो में स्टिकर भी ऐड कर सकते हो। और स्टिकर आपको फोटो में कहाँ रखना है इस तरीके से आप ड्रैग करके प्लेस कर सकते हो उन जगह पे। ये सारा स्टिकर आपको एक एनिमेटेड स्टिकर मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे टैप करना है और स्टिकर का आप यहाँ से टाइम लेंथ भी एडजस्ट कर सकते हो कितने देर तक आपको स्टिकर अपीयर करना है वीडियो में। उसके बाद अगेन आपको टिक वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना है अपने फोटो में तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है और अपने फोटो में यहाँ से आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप टेक्स्ट का साइज भी एडजस्ट कर सकते हो और उसी तरीके से आप टेक्स्ट का भी लेंथ एडजस्ट कर सकते हो। फिर आपको टिक वाले ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ पे आपको एक फिल्टर का भी ऑप्शन मिलता है अगर आप फोटोज में फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो। अलग अलग फिल्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिल्टर ऐड करने के लिए आपको फिल्टर वाले ऑप्शन में आ जाना है। आपको यहाँ पे काफी सारा वेरायटी में फिल्टर मिल जाएगा तो जो भी फिल्टर आपको चाहिए यहाँ से आप वो फिल्टर चूज कर सकते हो। ये फिल्टर अगर आपको सारे फोटोज में अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको अप्लाई टू ऑल क्लिप्स पे टैप करना है। फिल्टर अप्लाई टू ऑल पे आपको टैप करना है। उसके बाद जो ये फिल्टर होगा वो सारे फोटोज में ऐड हो जाएगा। फिर आपको टिक वाले ऑप्शन पे टैप करना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको काफी सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब जैसे कि हमें म्यूजिक ऐड करना है अपने फोटो में तो आपको यहाँ पे एक सेकेंड में ऑप्शन मिलेगा म्यूजिक। सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको म्यूजिक इफेक्ट्स रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा। अगर अपने फोटोज में आपको कोई साउंड इफेक्ट ऐड करना है तो आपको यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। या अगर अपने आवाज को रिकॉर्ड करके आपको फोटो में ऐड करना है तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड वाले ऑप्शन में आ जाना है। लेकिन अगर आपको म्यूजिक ही ऐड करना है अपने फोटो में, जैसे कि आपने म्यूजिक कोई डाउनलोड करके रखा है पहले से ही, तो इसके लिए आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन में कुछ ऑनलाइन म्यूजिक मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे म्यूजिक सुनकर के अपने फोटो में भी ऐड कर सकते हो। लेकिन आपको अपना मनपसंद म्यूजिक ऐड करना है, जैसे कि आपने पहले से कोई डाउनलोड करके रखा है म्यूजिक और वो म्यूजिक अगर वीडियो में है तो यहाँ से आप उस वीडियो के म्यूजिक को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो वाले ऑप्शन में आ जाना है और जिस भी वीडियो से वो म्यूजिक आपको निकालना है सिंपली आपको यहाँ से वो वीडियो को चूज करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करके उस वीडियो से म्यूजिक को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। या अगर कोई ऑडियो म्यूजिक आपने डाउनलोड करके रखा है तो सिंपली इसके लिए बैक आना है और उसके बाद आपको यहाँ पे माई म्यूजिक वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपके फोन में जितना भी म्यूजिक होगा आपने डाउनलोड करके रखा होगा यहाँ पे वो सारा म्यूजिक आपको दिख जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से म्यूजिक को चूज कर लेना है। मैं म्यूजिक को यहाँ पे म्यूट कर देता हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो सकता है। सुनकर आप यहाँ से म्यूजिक को ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको यूज वाले ऑप्शन पे टैप करना है। फिर उसके बाद म्यूजिक को आपको एडजस्ट करना है। इस तरीके से आपको टैप करना है होल्ड करके और पूरे फोटोज में आपको ऐड करना है तो इस तरीके से आपको टैप करना है होल्ड करके और यहाँ पे आपको लेफ्ट की तरफ स्वाइप करना है फोटो के शुरू से। म्यूजिक ऐड होने के बाद म्यूजिक का कौन सा लाइन आपको अपने फोटो में रखना है यहाँ से आप सुनकर आप रख सकते हो। मान के चलिए मुझे यहाँ से म्यूजिक के लाइन को रखना है अपने फोटो में शुरू से, तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे म्यूजिक पे आपको टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद जैसे कि म्यूजिक के इस वाले पार्ट को आपको हटाना है तो सिंपली आपको यहाँ पे टैप करना है, ये वाले म्यूजिक को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे टैप करना है।
उसके बाद आपको इस म्यूजिक को अपने फोटो में शुरू से रखना है। तो इसके लिए आपको इस म्यूजिक को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको टैप करके होल्ड करना है इस तरीके से, फिर आपको इस तरीके से ड्रैग करना है, फिर आपको बाकी के म्यूजिक के हिस्से को आपको डिलीट करना है। आपके फोटो का जितना भी आखिरी वाला हिस्सा होगा इस तरीके से आपको यहाँ पे आ जाना है। फिर आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ पे आपको एक कट मार्क लगाना है। सिंपली आपको स्प्लिट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। कट लगाने के लिए आपको स्प्लिट वाले ऑप्शन में ही आना है। फिर जैसे कि इस वाले हिस्से को हटाना है तो सिंपली आपको इस वाले म्यूजिक को सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिलीट वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। फिर आपको टिक वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद जो म्यूजिक होगा आपके फोटो में ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पे प्ले करके सुन सकते हो। अब जैसे कि म्यूजिक ऐड होने के बाद, ये एप्लीकेशन एक पेड एप्लीकेशन है तो इसमें आपको एक वाटर मार्क देखने को मिलेगा। इस वाटर मार्क को आप फ्री में रिमूव कर सकते हो। सिंपली आपको इस पे क्रॉस पर टैप करना है और ऐड देखकर आप यहाँ पे इस वाटर मार्क को रिमूव कर सकते हो। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो वाटर मार्क है वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद अब वीडियो को आपको सेव करना है। सेव करने से पहले आपको अपने वीडियो के रेशियो को आपको चूज करना है। रेशियो चूज करने के लिए आपको यहाँ पे कैनवास वाले ऑप्शन में टैप करना है। जनरली जैसे कि यहाँ पे स्टेटस वीडियो बनाना होता है या फिर रील्स वीडियो बनाना होता है, इसके लिए आपको यहाँ पे रेशियो जो चूज करना है 9:16 का रेशियो चूज करना है। आपको 9:16 वाला ही रेशियो आपको चूज करना है। उसके बाद इस रेशियो को सारे फोटोज में आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई टू ऑल के लिए यहाँ पर आपको लेफ्ट वाले टिक वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अप्लाई टू ऑल पे आपको टैप करना है। फिर इसे आपको फोन के गैलरी में सेव करना है। तो गैलरी में सेव करने के लिए आपको यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में सेव वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अलाउ वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। जैसा रिजोल्यूशन जो फ्रेम रेट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स में सेट है, यहाँ पर आपको उसी सेटिंग्स में रखना है। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे टैप करना है। फिर यहाँ पे एक ऐड प्ले होगा तो सिंपली ऐड देखकर आपको स्किप कर देना है। उसके बाद आपके फोन के गैलरी में सेव हो जाएगा। यहाँ से भी आप डायरेक्टली व्हाट्सएप में स्टेटस लगा सकते हो या फिर व्हाट्सएप में किसी को भेज सकते हो। इंस्टाग्राम में आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हो। डायरेक्टली आपको यहाँ पे सोशल मीडिया में पोस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब सिंपली ये वीडियो देखने के लिए अपने फोन के गैलरी को ओपन करना है। यहाँ पे आपको एक इनशॉट का फोल्डर मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि आपने फोटो में गाना लगाया होगा। म्यूजिक को मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया है कॉपीराइट के इशू से। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन के मदद से आप इजी अपने फोटो में गाना लगा सकते हो। अब ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपली अपने फोन के प्ले स्टोर को ओपन करना है और प्ले स्टोर में आपको इनशॉट एप्लीकेशन लिखकर सर्च करना है। एप्लीकेशन का जो नेम है वीडियो एडिटर मेकर इनशॉट है। आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में इनशॉट भी लिखकर सर्च कर सकते हो। एप्लीकेशन का नेम और लोगो देखकर इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। या इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें।